बार की डेट में जजमेंट हमारे फेवर में ही होगा ना। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है बहन, वो मारवाड़ी किसी भी तरह से इस घर को हड़पना चाहता है और इसीलिए हमारा खर्चा भी ज्यादा हो रहा है। रहमान का लॉयर साहब, दीदी की शादी इसी घर से होनी चाहिए, ये पिताजी की इच्छा थी। इस घर को बचाना अब आपके हाथ में है, प्लीज। रहमान, ये टेंशन मेरी है, तुम सानिया के लिए रिश्ता ढूंढो। 3 साल से आप यही बात बोल रहे हैं सर, पैसे ही खर्च हो रहे हैं लेकिन घर नहीं मिला। इस बार जरूर मिलेगा, तुम टेंशन मत लो। अब टैक्सी निकालो और मुझे घर छोड़ दो भाई। सॉरी सर, उसे ही बेचकर मैं ये पैसे लाया हूँ। ओह कोई बात नहीं, मैं ऑटो से चला जाऊंगा। सर कल कोर्ट कितने बजे आना है? तुम ठीक 10 बजे पहुंच जाना, कल का जजमेंट सुन के तुम लोग शॉक हो जाओगे। हाँ विवादों को सुनने के बाद उस घर पर पूरा हक रहमान को ना देकर श्री किशोरी लाल को दिया जाए, कोर्ट यह फैसला सुनाता है। पैसा खर्च करवा दिया हमसे, मैं क्या करूं? उन्होंने हमसे ज्यादा खर्च कर दिया तो मैं, मेरी बात तो सुनो। चल बोल। और 50,000 दोगे तो हम हाईकोर्ट जाएंगे। मैं तुझे हाईकोर्ट नहीं ऊपर के कोर्ट में भेजता हूँ। सारी पुलिस के सामने कोर्ट में उस लॉयर को पीट दिया। समय पर इसने फोन कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हें छुड़ा पाया। वरना क्या हो गया होता? तुमने अपनी दीदी के बारे में नहीं सोचा? सोचा था जी, इसलिए उसे बस पीट कर ही छोड़ दिया, वरना उसकी जान ले लेता मैं। हाँ तो जाकर मार दे, उसे मारने से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। तो मैं और क्या करूं? घर भी चला गया, रोटी देने वाली टैक्सी चली गई, अब जेल चला जाऊं तो अभी क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई कर्जा देने वाला भी नहीं है, अब क्या करेंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं बताता हूँ, तुम जाकर चाय ले आओ बेटी, जा। ताजमहल को दुनिया का अजूबा क्यों कहते हैं, ये मुझे आज समझ में आया था। क्यों कहते हैं बता? शाहजहां ने किसी भी बैंक से लोन नहीं लिया और ना ही किसी से कर्ज लेकर ये बनाया है, बड़ी बात है ना ताऊजी। वैसे लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है ताऊजी? हम मिडिल क्लास लोगों के सपने भी कितने छोटे होते हैं। 4 अंकों की सैलरी, 2 वक्त का खाना, एक छोटा सा मकान और एक छोटी सी फैमिली, क्या ये भी गुनाह है? सपना देखना गलत नहीं, हार मान लेना गलत है। अच्छा समय हमेशा खराब समय के बाद ही आता है। थैंक्स ताऊजी, अभी मेरा बैड टाइम चल रहा है, ये मुझे याद दिलाने के लिए। मेरी उम्र में की जाने वाली बातें तुम अपनी उम्र में करोगे तो कैसे चलेगा? अपना सामान पैक कर लो, निकलना है। कहाँ पर? हमारे गांव भीमराजपुर। वो क्या है ना ताऊजी? रहमान तुम मेरी बात मान, तुम्हारे पिताजी और मैं एक दोस्त ही नहीं थे, भाई भाई की तरह रहते थे। ताऊजी की हैसियत से कह रहा हूँ, चलो। पर मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा ताऊजी? जहाँ मैं काम करता हूँ वहीं पर तुम्हें भी नौकरी दिलवा दूंगा। शहर को छोड़कर? अरे पागल, हमारे भीमराजपुर को क्या समझ रहे हो, एंटीबायोटिक विलेज है। एंटीबायोटिक विलेज? मतलब जहाँ भी देखो ठंडी हवाएं, प्रकृति से सजी एक खूबसूरत जगह है। इस शहर के पॉल्यूशन और डर्टी पॉलिटिक्स से बहुत दूर है हमारा विलेज। पूरे विलेज में सभी का एक ही भगवान है और उसका नाम है बलराम जी। पिछले 30 सालों से मैं उनके पास ही काम कर रहा हूँ। पहले उनके पिताजी ईश्वर प्रसाद के साथ था और अब उनके बेटे बलराम जी के साथ। जानती हो उनकी सिर्फ एक ही हॉबी है, ब्रिटिशों से भी अच्छी इंग्लिश बोलना। माय इंग्लिश बेटर देन ब्रिटिश, माय ग्रैंडफादर बीट ब्रिटिश, देयर इज व्हाई ही डोंट नो इंग्लिश, सो माय फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, टोटल माय बॉडी लैंग्वेज इंग्लिश, आई क्रश, आई फ्लश, आई फिनिश द ब्रिटिश विद माय इंग्लिश। उनकी एक वीकनेस है, उनकी छोटी बहन छोटकी मीनाक्षी, अभी वो हैदराबाद में पढ़ रही है। उस लड़की से शादी करने के लिए बलराम जी का दुश्मन नागराज ट्राई कर रहा है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, इसीलिए वो हर बार बलराम के काम में टांग अड़ाने की कोशिश करता है।
बाकी है ना, बलराम जी रहमान को सच में नौकरी देंगे ना ताऊ जी? हाँ, जरूर नौकरी देंगे, लेकिन बलराम जी के साथ एक प्रद्युमन वर्मा नाम का आदमी है, हमेशा सीआईडी गिरी का। बलराम जी मेरी बात को कभी इनकार नहीं करेंगे, वो इंसान नहीं भगवान है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो राक्षस बन जाते हैं, उनको सिर्फ एक ही बात से गुस्सा आता है। और वो क्या है? झूठ बोलने से। कैसा लग रहा है आपको? प्यास लगी है। मतलब दर्द नहीं हो रहा है? डॉक्टर, वैसे आपको मारा किसने है? हमने। आप ही ने मारा और आप ही अस्पताल ले आए? यस डॉक्टर, शर्ट कैच डर्ट, वॉश बाय सर्फ एक्सेल, डर्ट शर्ट सर्फ एक्सेल। हाँ, अब जैसे शर्ट मैला पड़ जाए तो उसे धोकर सुखा देते हैं ना, वहाँ धोया था यहाँ सुखा दिया। ऐसा कौन सा मेला काम कर दिया इसने? सुपरवाइजर होकर इसने सारे हिसाब में गलती दिखाई है, पूरे 99 रुपए छुपाकर धंधे में नुकसान दिखाया इसने। तुमने 99 रुपए के लिए इतनी बड़ी सजा दे दी? यहाँ बात पैसों की नहीं है डॉक्टर, झूठ बोलने की है। हमारे यहाँ ईमानदारी से काम करोगे तो हाथ पहना कर प्रणाम करेंगे, झूठ बोलोगे तो फोटो पर हाथ चढ़ाकर पिंडदान करेंगे। बी डेयरफुल, सनराइज आर सनफॉल, टेलिंग लाइज डाउनफॉल। प्रद्युमन सर, ब्रिंग ब्रेड जैम फ्रूटेबल फ्रेश फ्लावर्स फॉर द रास्कल। इम्पॉसिबल सर। रेस्ट इन पीस। प्रद्युमन। यस सर। डॉक्टर को डबल पेमेंट देकर इसकी जगह पर एक और अपार्टमेंट दे दो। अपार्टमेंट? अपॉइंटमेंट। मेरा नालायक बेटा अभी तक आया नहीं, थोड़ा पानी तो दवाई खा लेता। इंडिया में लोगों को बीपी शुगर क्यों होता है पता है? वेट के कारण नहीं, वेटिंग के कारण। हर बेटा अपने बाप को कमाकर पैसे देता है, पर इसने मुझे बीमारियां दी हैं। ताऊजी वो किसी काम में फंस गए होंगे। अरे उसको कौन सा काम है बेटी, चार बेकार लड़कों को साथ में पकड़कर ड्रामा कंपनी खोलकर पागलों जैसे देश बनाकर घूमता रहता है। वो देखो आ गई टप्पा ड्रामा कंपनी। रहमान, मेरी जान रहमान। ये सब क्या है, दिन हो गए तुझे देखे। परसों ही तो तू मुंबई में मिला था। परसों और अब मैं 48 घंटे हो गए। हाय सानिया। हाय। गेटअप बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मिस्टर नारायण आप क्या कहते हैं? शर्म नहीं आती, अपने बाप को नाम से पुकारता है तो। भगवान के गेटअप में हो तो बाप हो या भक्त हो दोनों एक ही है। ठीक है भगवान जी, आप तो 10 बजे आने वाले थे, इतनी देर क्यों कर दी? क्या है ना रास्ते में भगवान, चलो चला पे चक्री, पैसे दिए होंगे इसे। मुझे ऐसा आशीर्वाद की नौकरी मिल जाए। देखा ना, पूरे रास्ते में यही सब चल रहा था, तो लेट तो होना ही था। ओहो रहमान, पागल होने से पहले चलो। तो फिर सामान कौन उठाएगा नारायण? स्वामी बोलो। भगवान को भक्तों के सिर्फ कष्टों को ही नहीं, उनके भार को भी उठाना चाहिए। चलो। ओए चक्र बंद कर। प्रिय भैया। कहिए कृष्णा। ये हल बाजू में रख दो और इन बैग्स को उठा लो। सानिया, कॉफी मस्त बनी है। थैंक्स। इस ओल्ड मैन के हाथ से बनी कॉफी ओल्ड मॉन्क जैसी लगती है। सानिया, तुम फैशन डिजाइनर हो ना? हाँ तो? नेक्स्ट होने वाले हमारे ड्रामे में तुम कॉस्ट्यूम डिजाइन कर लो ना। ड्रामे के लिए? मुझे ड्रामे के बारे में कोई आइडिया नहीं है। काफी आसान है, जनरली ड्रामा इंस्पिरेशन के बाद फिल्में बनाई जाती हैं, और हम फिल्मों से इंस्पिरेशन लेकर ड्रामा करते हैं। इसके अलावा थोड़ा मसाला मिला देते हैं, इसलिए तो हमारी कंपनी का नाम भी है मसाला ड्रामा कंपनी। कैसा लगा? बढ़िया है। वैसे तुम लोगों के ड्रामे का नाम क्या है? बड़बोला बच्चन। बड़बोला बच्चन, ये कैसा ड्रामा है? बोल राधा के बोल, बच्चन साहब के वचन मिलाकर, ऊपर से थोड़ा मसाला मिलाकर प्रेजेंट करने जा रहे हैं फैमिली एंटरटेनमेंट बड़बोला बच्चन। ऐसा करने से लोग मारते नहीं है क्या? मारते हैं, लेकिन तालियां था कहीं का। डोंट वरी, ऐसे आविष्कार हम लोग बहुत कर चुके हैं। वो लोग भी इस पे कुछ इसी तरह के आविष्कार कर चुके हैं। देखो ये नारायण से परेशान होकर रिहर्सल हम कहीं और करते हैं। कहां? संगीत मतलब एक संजीवनी है, सारी बीमारियों की निवारणी। गाँव से गाओगे तो किडनी के पत्थर पिघल जाएंगे, इंदु गाओगे तो हार्ट के होल भर जाएंगे।
वैसे तेरा रोग क्या है और तू राग क्या गा रहा है? माचिस है क्या? आप कौन हो जी? बच्चन, अमिताभ बच्चन। एक बार पूछा तो दो बार क्यों जवाब दे रहे हो? आदत है। तुम्हारे पास माचिस है क्या? सिगरेट पीने से कैंसर होता है बालक। नहीं पीऊंगा तो मुझे गुस्सा आएगा। माचिस है क्या? किरवाड़ी राग से तुम्हारा गुस्सा कम कर दूंगा। सिंधु भैरवी से तुम्हारा सिगरेट बंद करा दूंगा। तुम्हारे कहने पर से छोड़ दूं, ये कोई मामूली शौक नहीं है, सिगरेट है। तुम्हारे पास माचिस है क्या? कट, सुपर। संगीत से सिगरेट छुड़ाने का कॉन्सेप्ट, मजा आ गया। वैसे क्लाइमेक्स में क्या है, ये सिगरेट पीना छोड़ता है? ये छोड़ देते हैं और ये पकड़ लेते हैं। माचिस है क्या? तानिया को ले जाओ और जहाँ से हम हमेशा कपड़े खरीदते हैं वहाँ से कपड़े खरीद लो। ठीक है। क्यों, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम नहीं आई हो इसलिए उधारी नहीं देंगे। ले जाओ इसको। ए, तू जाना इसके साथ। रहमान, ड्रामा में फाइनल ट्विस्ट कैसा लगा? अरे ये ट्विस्ट नहीं बल्कि टाइम वेस्ट। ए छोटू, गिर जाएगा, नीचे उतर। कुछ नहीं होगा। अरे भैया तुम तो इसे समझाओ ना। ए छोटू, अगर तू नीचे उतर आएगा तो मैं पतंग खरीद के दूंगा। पतंग ही तो लेने जा रहा हूँ मैं। इसे कोई नहीं समझा सकता। अच्छा ये मंदिर पर ताला क्यों लगाया? अच्छा ये एक बहुत बड़ी कहानी है। मंदिर की कमाई लोगों के काम आनी चाहिए, ऐसा हमारे बलराम जी सोचते हैं। और उन्हीं पैसों को हड़पना चाहता है उनका जानी दुश्मन नागराज। काफी समय से केस कोर्ट में है और दरवाजे पर ताला लगा है। तोड़ दिया तो क्या करता? बच्चे की जान चली जाती तो? वो बात नहीं। चल, चल निकल। ए, तू है कौन बे? वो जीप। ताला तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? इसका अंजाम जानता है? मुझे घूरता है। ये गलत बात है, तू जो कर रहा है बिल्कुल सही नहीं है। कितनी बार कहा है कि झगड़ा मत किया करो मंदिर के सामने। मैंने भी कितनी बार समझाया कि मेरे मामले में मत पड़। पब्लिक में गोली मत चलाइए, पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ। इट्स अ क्राइम, मैं आपको अरेस्ट कर सकता हूँ। अरे बाबरे, मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? श्याम बाबू। पहले जिसने ताला तोड़ा है उसे अरेस्ट करो बाबू। इंस्पेक्टर साहब, असल में इस लड़के की कोई गलती नहीं है। उस बच्चे की जान बचाने के लिए इसने मंदिर का ताला तोड़ा है। इस तरह से भगवान ने इनके हाथों से ही ताला तोड़वाया है। एक मिनट रुको, मैं भी भगवान से बात करना चाहता हूँ। हेलो विष्णु भगवान जी, मैं आपका भक्त नागराज बोल रहा हूँ। कैसे हैं? मंदिर का दरवाजा बंद कर दें। लेकिन यहाँ के लोग तो ना बोल रहे हैं। ओके सर, मैं देख लेता हूँ। भगवान ने मूड बदल दिया है, अब दरवाजा बंद करो। एक बार जो मंदिर का दरवाजा खुल जाए तो उसे दोबारा बंद करना अशुभ होगा बेटा। अशुभ होगा? भगवान जी के आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। सुन बे, बंद करके आना। ठीक है भाई। अब इस मंदिर के दरवाजे खुले ही रहेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आज से इस मंदिर की जिम्मेदारी मेरी, आप जा सकते हैं। ओके सर। दोबारा अगर किसी ने मंदिर के दरवाजे पर हाथ रखा तो मैं उसे काट डालूंगा। I cut him horizontally. Mind it. इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैं बताता हूँ सर, आपको पहले मैंने बताया था ना, मेरे दोस्त का बेटा, ये वही है। ओ, तुम्हारा नाम क्या है? जी मैं राम, राम 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 जी राम। पंडित जी सुनिए,
आज से मंदिर में पूजा शुरू हो जाए। सूरी, तूने बलराम जी को झूठा नाम क्यों बताया? तो और क्या करता, रहमान नाम के एक मुस्लिम लड़के ने हिंदुओं के मंदिर का दरवाजा खोल दिया, हंगामा हो जाता, लोग आपस में मारपीट करने लगते। हमने झूठ बोला है, ये अगर उन्हें पता चलेगा तो हमें मार डालेंगे। वो सब बात की बात। इस लड़के को लेकर हवेली में आओ। आपने नौकरी की बात इसी लड़के के लिए की थी ना? हाँ सर। लेकिन उस दिन आपने नाम शायद कुछ और बताया था। पिताजी ने शायद आपको निकनेम बताया होगा, पर असली नाम रामा राठौड़ है। ओ, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मस्जिद में वो। हाँ, मस्जिद में क्या? हाँ मतलब वो मस्जिद के साइड में जो संगीत का स्कूल है ना, उनको कैसे पता होगा? तुझे पता ना, तू ही बोल। स्कूल में क्या करते हैं वो? बच्चों को संगीत सिखाते हैं। आई लव म्यूजिक। मैनेज कर लिया ना? ओ, तो संगीत मास्टर की औलाद हो, तब तो तुम्हें भी संगीत आता ही होगा। अच्छी तरह आता है जी। क्या आता है? तुझे ही पूछा जा रहा है, मेरी तरफ क्या देख रहा है बता ना। अबे लायक, संगीत एक संजीवनी होती है, सभी रोगों की निवारणी। राग से गाओ तो किडनी के पत्थर पिघल जाते हैं, इंदुल गाओगे तो हार्ट होल बंद हो जाता है, किरावाणी राग से गुस्सा कम होता है, सिंधु भैरवी से सिगरेट बंद हो जाता है। माचिस है क्या? माचिस? माचिस? तेरे ड्रामा के फ्लो में ये भी निकल गया। गुड। ये आखिर तुमने माचिस क्यों मांगी भाई? वेरी गुड। इसका मानना है कि संगीत से आप माचिस भी जला सकते हैं। That's why I say, music is fire, handle with care. It is not joke, bloody idiot, stupid rascals, damn it, gobi ke fools, Pradyuman. Excuse me, sir. Make him Superman. Superman मतलब supervisor. तू टेंशन मत ले. Monthly fees 30,000. Fees? मुझे भरना होगा क्या? वो तुझे देंगे. Fees मतलब salary. Sir, 30,000? Okay, 40,000 dealer done. इससे ज़्यादा एक रुपया भी नहीं देंगे. No. 40,000? आपने मुझे इतनी अच्छी नौकरी दी है जबकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर। थैंक्स मुझे कहने की बजाय नारायण जी को कहो। 3 सालों से ये हमारे यहाँ बेबी सिटिंग कर रहे हैं, इन्होंने हमें कभी धोखा नहीं दिया। सर मुझे आपसे एक बात करनी थी। मेरे बारे में ही होगा ना ताऊ जी, आप परेशान मत होइए। मैं जी तोड़ मेहनत करके आपका नाम रोशन करूंगा। पिताजी कहते थे हार्ड वर्क इज द की। हार्ड वर्क इज की होल टू द डोर ऑफ सक्सेस। तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ लाया था, अब तूने तो हमें ही प्रॉब्लम में खींच लिया है। अगर ये बात बलराम जी को पता चली तो? कैसे पता चलेगी, हम में से कोई नहीं बताएगा, इन्हें सिर्फ हम जानते हैं। तू चुप बैठ, तूने ही इसकी शुरुआत की थी। रहमान मेरी बात मान, तू ये नौकरी छोड़ दे, मैं दूसरी नौकरी देखता हूँ। 40,000 की नौकरी ताऊ जी, छोड़ता तो बेवकूफी होती। रहमान एक छोटे से झूठ के कारण पहला वाला सुपरवाइजर अब तक ICU में है, मेरी बात मान ले, छोड़ दे, इतना बड़ा रिस्क किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी के लिए। तुम्हारी डोली खुद के घर से नहीं निकल पाया, लेकिन तुम्हें एक अच्छा ससुराल देना मेरा फर्ज है। ताऊ जी मैंने झूठ नौकरी के लिए बोला है, लेकिन काम ईमानदारी से करूंगा। ईमानदारी से काम करने वाले के लिए कोई जात पात नहीं होती। ताऊ जी मैं राम या रहमान बनकर काम नहीं करूंगा, एक मेहनती इंसान बनकर काम करूंगा। आप घबराओ मत पिताजी, कुछ नहीं होगा। ओए, ऐसे ये निरोध का सिंबल लग रहा है, फ्रेम को ठीक कर घुमा कर। उस फ्रेम में अपना थीम है नालायक। चिल्लाओगे तो काम नहीं करूंगा। hey! अपने आप को बड़ा डायरेक्टर समझता है। इस बार की हमारी थीम क्या है? ये कहानी ट्रायंगल लव स्टोरी है। oh? साजन रिटर्न्स। oh? शॉक हो गए ना? साजन जो रिटर्न होता है, इज साजन रिटर्न्स। यही है थीम। एक्शन। चुप कर बे, तेरा म्यूजिक सुन कर मेरा मूड खराब हो रहा है, पहले डायलॉग बोल। गीता इन माय लव। नो, मेंटल फील करने से अगर शर्म आ रही है तो फिजिकल फील कर लो। ऐसे फील करूंगी तो मेरा लवर भी फील करेगा। लवर कौन है? शेखर है, बेचारे को कैंसर है। आंसर है। गीता, आज अकल मैं चला जाऊंगा, तुम बदल लो अपना फैसला,
तो मैं इसके साथ भाग सकती हूँ। गीता, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसके पास बीमारी नहीं है। सानिया, इतने सीरियस सीन में तुम्हें हंसी कैसे आ सकती है? नॉनसेंस। व्हाट जोक, व्हाट जोक। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। लाफिंग गिविंग लॉन्ग लाइफ। तुम्हारी बातें मुझे पसंद आई। इसके पहले कहाँ काम किया था? कुछ 12 कंपनियों में काम किया था। प्रद्युमन सुनाना, हमारे बहुत काम आएगा। 12 कंपनियों का एक्सपेंस है। ऐसा क्यों सोच रहे हो सर? ये भी तो हो सकता है कि इसे 12 कंपनियों ने निकाल दिया हो। मुझे किसी ने निकाला नहीं, शक किया इसलिए छोड़ दिया। सच बोलो, तुम्हें ये सीन क्यों नहीं पसंद आया? हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। पूरी तरह से कॉमेडी कैसे चलेगा? एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन में तो सीरियसनेस चाहिए ना। और वो कैसे? ऐसे सडनली कैसे बताऊं? थोड़ा टाइम तो दो मुझे। रामू, आज इतनी देर हो गई, अब तक क्या कर रहे थे? हिसाब में 1 रुपया कम पड़ गया था सर, उसे ठीक करने में थोड़ी देर हो गई। क्या कहा? 1 रुपए का फर्क था, इसलिए तुम 1 बजे तक काम कर रहे थे? 1 रुपया क्या, भरोसे पर काम करने वाले को 25 पैसे का भी बराबर हिसाब देना चाहिए। आपको इनके 1 रुपए की इज्जत नहीं होगी, लेकिन मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। गुड, दैट्स व्हाई यू आर माय ट्रस्टी। भरोसा, चाहे वो प्यार का हो या दोस्ती का, भरोसा जरूरी है। जो जीत लेता है उसे स्वर्ग मिल जाता है, और जो खो दे उसे नरक। मैं अब चलता हूँ सर, देर होगी, दीदी इंतजार कर रही है। हाँ, जाओ जाओ। प्रद्युत, कोहिनूर हीरा देखा है कभी तुमने? आप घड़ी में डलवा लेते तो देख ही लेता। तुम ये क्या कह रहे हो? वो जा रहा है, वो असली कोहिनूर है। क्या टाइमिंग है, क्या फीलिंग्स है। सानिया, इसी वक्त से हमारे ड्रामे में हिंदी फिल्मों की तरह स्टोरी, डायलॉग्स, गाने, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सब तुम ही करोगी। ऑडियंस भी। बकवास बंद कर, एक बार हाँ कह दो। अरे बोलो ना। ओके ठीक है। ए सूरी, मैं बाद में कॉल करता हूँ। क्या है? मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। वो किस लिए पिताजी? पूरा महीना रमजान है, रहमान और रामू एक ही है। अगर ये बात बलराम जी को पता चली तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पर काफी समय बाद आपने एक अच्छी बात कही है। वो क्या? रहमान और राम एक ही है। समझ नहीं आया ना? जरा ठीक से सोचिए। रमजान के शब्द में राम का नाम है, दिवाली के शब्द में अली मौजूद है, वही हमें बचा लेंगे। क्या देख रहा है? जो भी इतना खूबसूरत हो सकता है ये आज पता चला। मतलब? जरा उस मंदिर को तो देखो, भगवान कितने जगमगा रहे हैं। उस दिन जब मैंने मंदिर का ताला तोड़ा था तब झूठ कहना पड़ा, पता नहीं तब गलत कर रही ये सोचकर गिल्टी फील हो रही थी, पर आज जब ये सब देख रहा हूँ तो बहुत खुशी हो रही है। इन लोगों के दिमाग हम कभी नहीं पढ़ सकते। जब तक मंदिर बंद था तो पाप कर रहे थे, और मंदिर खुलते ही दिया जलाने लगे। दिस पीपल आर टोटली क्रेजी यार। रामू। सर। कल हम हैदराबाद जा रहे हैं। ओके सर। हैदराबाद किस लिए सर? मेरी बहन हैदराबाद में पढ़ती, कल उसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसे लेकर आना है। ओके सर। और हाँ, कल उसका जन्मदिन भी है, हमें जाकर फर्स्ट प्राइज देना है। ओह, सरप्राइज। It's your birthday, come on! अरे ऐसा थोड़ी चलता है, चलो थोड़ा सा लगाने दो। अरे अरे थोड़ा सा बस। मेरी बहन रोक रही है तो रुक नहीं सकता। ये क्या है, आजकल तो ये सब कॉमन है, मजाक में फेस पर केक लगाते हैं। मैंने भी तो वही किया, केक पर फेस लगा दिया और क्या। विच फ्लावर? व्हाट फ्लेवर? फ्लेवर अब पाइनएप्पल। ये क्या है मीनाक्षी, तुम्हारे भैया ने बिना बताए गवार की तरह केक लगा दिया। ओके, सबको अनाउंस करके लगाते हैं। तो भैया और बहनों, बिना बताए फेस पर केक लगा दिया, इसलिए भाई साहब नाराज हो गए हैं, इसलिए इस बार बताकर दोबारा इन्हें केक से नहलाना है, ऐसा हमने फैसला किया। तो कार्यक्रम दोबारा शुरू किया जाता है, एंजॉय कीजिए। भैया ये अपने साथ गुंडे को भी लायो। What the hell is this, मीनाक्षी? It is not hell, it is pineapple. भैया, अब बस बहुत हो गया, मेरे बर्थडे पर अच्छा गिफ्ट दिया है आपने, थैंक्स। अरे सुनो, हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी। पार्टी इज ओवर। ऐसा मत कर। बेटा मीनाक्षी, यहाँ देखो, भैया ने बर्थडे गिफ्ट में तुम्हें कार दी है। मीनाक्षी, हैप्पी बर्थ राइट टू यू। कलर डार्क रेड इंडियन, सेफ्टी के लिए एयर लगेज बलून, सेंट्रल जेल लॉकिंग सिस्टम, फुल अनकंफर्टेबल व्हीकल।
फुली लोडेड एंड कंफर्टेबल व्हीकल। यस रामू, कार स्टार्ट करो, झटके को एक राउंड घुमा लो। रुको, ये क्या है? बर्थडे किसका है? तुम्हारा है। तो गिफ्ट किसे मिलना चाहिए? तुम्हें। तो ये बीच में क्यों है? कोई माने या ना माने, गुस्सा बहुत आता है मीनाक्षी बेटी को, पूरी आप पर गई है। I forgive sir. Okay. राउंड मार के मीनाक्षी जी अब तक आई क्यों नहीं? रिंग रोड की तरफ गई होगी और वहाँ राउंड लगा रही होगी। फोन करके देख। मीनाक्षी बेटी, मैं हूँ प्रद्युम्न। मैंने आपको कहा था ना सर, मीनाक्षी को कार मत दो, उसके लिए स्कूटी काफी है, अब वो हमारे हाथ नहीं आने वाली है। क्या हुआ है? मीनाक्षी बेटी हमें राउंड का बहाना बनाकर हाईवे से हमारे गांव की तरफ जा रही है। हमारे गांव जाने से पहले उसे नागराजपुर को पार करना पड़ेगा। हेलो भैया, कब से फोन कर रहा हूँ, उठाए क्यों नहीं? कहाँ पर हो? मैं नागराजपुर से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर हूँ। अकेले जाना जरूरी था? सॉरी भैया, कार का टायर पंक्चर हो गया है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। वहाँ तुम्हारे आसपास कोई है क्या? आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा। ठीक है, गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके भैया। कंडक्टर नागराज यहाँ पहुँच गया। प्रद्यु सर, तुम कार का पंचर बनवा कर घर ले जाओ, मैं जाकर मीनाक्षी को लेकर आता हूँ। ओके सर। रामो तुम भी जाओ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। गणेशा भैया, रस 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 मेरी मीनाक्षी, आई लव यू। नहीं चाहिए तुम्हें, नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। 6, 2, 3 तुम लव को भूल जाओ, मुझसे शादी कर लो। ये भी नहीं चाहिए। ओके, तुम भी डायरेक्ट सुहाग रात। शट अप। देखो, लव को ना कहा कोई बात नहीं, शादी से इनकार किया वो भी मान लिया, पर इससे मना नहीं करने दूंगा। आ जा। छोड़ो मुझे, कुछ ही देर में जब मेरे भैया आ जाएंगे ना, तब जरूर तुम्हारी बारात निकल पाएंगे। एक बात बताऊं, तू सीधा शमशान में आया है, आज तेरी समाधि बनाऊंगा, फिर इससे सुहागरात मनाऊंगा। रामू, तुम चाहो तो अभी भी वापस जा सकते हो। सर, जब मुसीबत में था तब आपने मुझे नौकरी दी, मैं आपका सेवक ही नहीं सैनिक भी हूँ, युद्ध में हमेशा राजा से पहले सैनिक ही उतरता है। जरा चारों तरफ नजर घुमा, एक एक की बॉडी देख। बॉडी का क्या है बदमाश, चिकन मटन खा लो तो कोई भी बना सकता है, लेकिन यहाँ चिकन में हिम्मत भाई बर्थ ही आती है। टुडे आई वांट टू सी एवरीबॉडी डाउन टू अर्थ।
रुक जाओ। तुझे तो मारने से भी घिन आ रही है, लेकिन तेरी मौत का दिन नजदीक आ रहा है। पता है तुझे क्यों बख्श दिया? क्योंकि आज मेरी बहन का जन्मदिन है। ऐसा क्या? मीनाक्षी हैप्पी बर्थडे। अच्छा श्याम बाबू आ गया। हाँ चलो चलो। अब समझ गई ना क्यों मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने देता? अगर मेरे चक्कर में तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो? आपको मेरी इतनी फिक्र है तो हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? हम इस गांव को छोड़ क्यों नहीं देते? अगर हम इस गांव को छोड़ भी दें, अपने चाहने वालों को कैसे छोड़ सकते हैं? हम सिर्फ यहाँ पैदा नहीं हुए, लोगों के दिलों में बसते हैं। आगे से प्लीज बता कर जाना। चलो खाना खा लेते हैं। मैं भी निकलता हूँ सर। रामू आज तुमने वाकई काफी रिक्स लिया। मदद मांगने वाले तो हमने बहुत देखे, लेकिन मदद करने वाला पहली बार देखा। Take my thanks। बस कीजिए सर, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। चलो हमारे साथ खाना खा लो। नहीं सर, पूरा महीना मेरा उपवास है। पूरा नहीं, आज ही उपवास। एक मिनट रुको सर, रविवार को कौन सा उपवास होता है? माँ के लिए क्या रविवार क्या बुधवार सर? हाँ माँ, तुम तो अपनी दीदी के साथ रहते हो ना, अब ये माँ कहाँ से आ गई? मैं क्या आपको टेस्ट ट्यूब बेबी दिखाई दे रहा हूँ? मेरी माँ नहीं हो सकती। पहले तो ऐसा कुछ नहीं कहा। पहले कहा था, लेकिन अब आ गई है। कहाँ से? केरला। वो केरला क्यों गई थी? इलाज के लिए। हाँ, वो घुटनों के इलाज के लिए केरला गई थी। इसलिए मैं माँ की तबीयत ठीक होने के लिए उपवास रखता हूँ। वेरी गुड, तुम्हारी माँ की तबीयत के लिए मैं भी उपवास रखूंगा। सर आप मेरी माँ के लिए? इतना ही नहीं, कल तुम्हारे घर आकर उनका आशीर्वाद ले लूंगा। घर आओगे? ओह नो। क्यों? कल माँ नहीं रहेगी। क्यों, कहाँ जा रही है वो? मंदिर जाएगी। तो अभी चलता हूँ। अभी नहीं, रहने दीजिए, फिर कल ही ठीक है। कल कहते हो मंदिर जाएगी और अभी मिलने के लिए मना कर रहे हो, ये सब क्या चल रहा है भाई? अभी के अभी बोलोगे तो मुझे माँ को रेडी करना होगा। रेडी करना होगा? मतलब आप लोग आएंगे तो आपके लिए खाना वगैरह रेडी करना होगा ना? करेक्ट। थैंक्स ताऊजी, आप बार बार मुझे बचा रहे। बताया सर को माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। जाओ तुम लोग तैयारी में लग जाओ। आपने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया। तो ताऊजी मुझे क्यों सुनाई दिया? तुम काफी थक गए हो ना इसीलिए। Yes, fighting and fasting makes man farting. That's why you are hearing. Bullshit sir, bullshit. बाप रे बाप। माँ। मम्मी 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 गए काम से, अब तो सब खत्म हो गया। माँ कहाँ से आएगी? अरे जरा वहाँ देखो, मेरे बाप को बीपी है फिर भी राजधानी एक्सप्रेस की तरह यहाँ वहाँ दौड़ रहा है। अरे रहमान, तेरी माँ के चक्कर में मेरा बाप ना चला जाए। अंकल हाँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? एक डमी मम्मी अरेंज करते हैं ना। डमी मम्मी क्या? तो नहीं पता। अरे ये बन जाएगा डमी मम्मी और क्या। अबे हट, ये मम्मी नहीं सिर्फ टमी है, मुझे मंजूर नहीं है। जरूरत पे एडजस्ट करना पड़ता है भाई। अब क्या तुम्हारे लिए श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित आकर के मम्मी की एक्टिंग करेगी? मिल गई, मुझे माँ मिल गई। कौन है वो? ऐश्वर्य से भी ज्यादा ग्लैमरस, माधुरी से भी मधुर डांस, करीना का फिगर, कैटरीना का मैजिक, शी विल डू एनीथिंग फॉर मनी, वन एंड ओनली वन, जया। हाँ तो बोलिए, क्या काम है आपको मुझसे? आपको माँ बनाने आए हैं हम लोग। क्या? मुझे? समझाना ना। जी हाँ, हम आपको माँ बनाने आए हैं। तुम भी क्या? इन सब कामों में आपको काफी तजुर्बा है ऐसा मैंने सुना। और आपकी उम्र भी हमारे लिए बिल्कुल फिट है। बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास, आप मना मत कीजिएगा प्लीज। फ्री में नहीं, आप चेक ले सकती हैं। कैश भी दे सकते हैं। अगर आप कॉस्ट्यूम चेंज कर ले तो हम काम शुरू कर सकते हैं। अरे नालायक लोग कहीं के, कॉस्ट्यूम्स नहीं, मैं तो लोगों की खाल उतार दूंगी। देखिए बात में समझ नहीं आती है। माँ बनाने की इच्छा हो रही है ना? नहीं नहीं, तुम्हें लगता है बहुत चर्बी चढ़ी है तुम लोगों को। आपने गलत समझ लिया, आप जैसा समझ रही है हमारा वो मतलब नहीं था। आपको मेरे दोस्त की माँ का कैरेक्टर करना है, बोलना है। तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है, तुम्हारी जो माँ की जरूरत है वो राइट है, पर मुझे जो माँ के लिए चूज किया है वो बिल्कुल रॉन्ग है। अगर मैंने तुम्हारे माँ का रोल कर भी लिया तो तुम्हारे बॉस मुझे इजीली पहचान लेंगे। पता है क्यों? मुझे गौर से देखो, क्या मैं किसी भी एंगल से तुम्हारी माँ दिखती हूँ?
कहीं भी झुर्रिया नहीं। तुम अगर मुझे माँ कहोगे भी तो यहाँ कोई मानेगा क्या? हाँ अगर तुम्हारी फ्रेंड कहो या गर्लफ्रेंड कहो तो एक बात ठीक है। आई एम टू यंग यार, मेरे नेक्स्ट आइटम का टाइम हो रहा है। मेरी एक बात सुनो। हाँ बोलिए। गर्लफ्रेंड के रोल के बारे में सोचो। बोल अब क्या करें। हर कीमत पर मुझे माँ चाहिए। अरे मदन, अर्जेंटली एक माँ चाहिए। ओके। सुनील, मुझे एक माँ चाहिए। ओके। बंसी, मुझे एक माँ की जरूरत है। ओके। पिताजी वो आ गए क्या? अभी तक नहीं। तो अब हम क्या करें? आइडिया। क्या? वो लोग आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, हम नहीं खोलेंगे। वो उस तरह दरवाजा खटखटा खटखटा के वापस चले जाएंगे। कैसा रहा? तेरी आ गए वो लोग, आ गए। मर गए यार। आओ, आओ। रामो। नारायण जी। अभी आया सर। क्या कर रही? नमस्ते सर। नमस्ते सर। आइए। क्या हाथ का खाना है ना? He's the best. Mother food is taste. नारायण जी। नमस्ते सर। वहाँ क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार? आप ही का। पर हम तो आ गए ना, उतर आइए। ठीक है पिताजी। सर, माँ नहीं है, माँ नहीं है, माँ नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? माँ नहीं है। सही कहा, माँ नहीं है। नहीं है मतलब घर में नहीं है, मंदिर गई है। बोला था कि आप लोग आने वाले हैं लेकिन मंदिर जाना जरूरी था इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाया। तब तक पेट पूजा कर लेते हैं, आइए ना। रामो, हम यहाँ माँ का आशीर्वाद लेने आए हैं, उन्हें आने दो और उन्हें खाना परोसने दो। मतलब हमें इंतजार करना पड़ेगा? तो कर लेंगे। टाइम क्या हुआ सर? हाँ। ज्यादा लेट हो गया। इस समय तो भगवान भी लंच ब्रेक पे चले आते हैं ना? जब माँ सच्चे मन से ध्यान करती है तो भगवान को भी ब्रेक नहीं देती। काफी देर हो गई इंतजार करते हैं। चलिए खाना परोसता हूँ। पेट भर लीजिए फिर चले जाइएगा। सर एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग खुद मंदिर चले। ओके। उठो मत। कैसे आती हो? मंदिर कैसे जा सकते हो? क्यों, उसमें क्या गलत है रामू? क्या गलत है सर? हमने आपके लिए चिकन फ्राई मटन पीस मंगवाए हैं। मंगवाए हैं तो फिर ऐसे मंदिर जाओगे क्या? पर अभी खाया कहाँ है यार? घर में उसकी स्मेल तो नहीं थी ना? ऐसे भगवान को कितना बुरा लगेगा। फिर स्मेल लेकर जाने वाले पर भगवान अगर इतना बुरा मानेंगे तो बनाने वाले पर बुरा नहीं मानेंगे? कितने सवाल पूछता है। प्रद्युमन जी, मेरी माँ ने खाना बनाकर नहा धोकर शुद्ध होकर मंदिर गई है। आप भी शुद्ध होंगे, साबुन से नहाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं वीक में सिर्फ दो बार नहाता हूँ, ज्यादा नहीं। प्रद्यु चुप हो जाओ और मत बोलो। माँ चाहे आधी रात तक क्यों ना आए, हम इंतजार करेंगे। सर, माँ नहीं है। बेटा राम। तुम्हारी माँ आ गई है बेटा। अरे देख, माँ आ गई, माँ आ गई, माँ, 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 करेक्ट टाइम पर आई हूँ। ए सूरी, माँ आ गई है। ताऊ जी, माँ आ गई है। आओ माँ। कल तो मना किया था। उसकी कहानी दिल में उतर गई थी। सच बोल। थोड़े पैसों की भी जरूरत थी। आओ माँ। सर, ये मेरी माँ है, मुझे जन्म देने वाली माँ। माँ मैंने बताया था ना बलराम जी, यही है। नमस्ते जी। नमस्ते जी, बैठिए ना। बहुत खुशी हुई, आपने मेरे बेटे को नौकरी पर जो रखा, आप पर भी उस भगवान श्री राम जी की कृपा बनी रहे, ये मैं शिरडी साई बाबा जी से प्रार्थना करूंगी। आहा, आपकी सोच और संस्कार काफी पवित्र हैं, इसलिए इस उम्र में भी आप काफी कड़क लगती हैं। सर, यानी आपकी सेहत बहुत अच्छी है। आपकी सेहत का राज क्या है? संतोष से जमा। मैंने जवानी में योगा किया था ना, वो अभी मेरे बहुत काम आ रहा है बेटा। योगा। और ये जो मेरा बेटा है ना, वो पैर जमीन पर भी रखने नहीं देता। बेटा राम। रामू, माँ बुला रही है। हाँ, क्या हुआ माँ? मैंने नहीं बुलाया, मुझे लगता है आवाज दरवाजे से आई थी बेटा। माँ आ गई है बेटा। बेटा,
बेटा तुम्हारी माँ आ गई है, एक बार मेरे गले लगकर मेरा आशीर्वाद ले बेटा। अरे पैर तो छू। रामो ये माँ कौन है? मेरी माँ। तो फिर ये माँ कौन है? मेरी माँ। दो माँ है, एक बच्चा दो से कैसे पैदा हो सकता है? मतलब ये मेरी माँ है, ये मेरी बड़ी माँ है, इन्होंने मुझे जन्म दिया, इन्होंने मुझे पाला। थैंक यू बड़ी माँ। देखा तुमने, एक माँ का आशीर्वाद लेने आए थे हम यहाँ पर, तो दो दो माँ को आशीर्वाद मिला। बेटा राम। हाँ माँ। मैंने नहीं बुलाया। ओ, बड़ी माँ होंगी। क्या हुआ बड़ी माँ? मैंने भी नहीं बुलाया। ये तीसरी माँ कौन है? चुप्पन, कुछ मत पूछिए। पहले मैं क्या कहता हूँ वो अच्छे से सुन लीजिए, फिर जो चाहो वो पूछ लीजिए। तूने तो माँ की बारिश कर दी। सर, माँ, बड़ी माँ, छोटी माँ, माँ ने जन्म दिया, बड़ी माँ ने पाला और छोटी माँ ने मुझे पढ़ाया। तीनों माओं की अक्षरों में एक शब्द का अंतर होगा, पर इन तीनों के प्यार में तिनका भर भी फर्क नहीं है। बड़े प्यार से पाला है मुझे। अब बोलिए सर, आपको और कोई डाउट है क्या? रामो, जिसने भी तुम्हारा ये नाम रखा है बहुत ही सोच समझ कर रखा है। तुम्हें देखने पर मुझे भगवान श्री राम की याद आ रही है। तीन माओ का लाड़ला बेटा, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी। What a joint family! Shiv sir! इतने पवित्र परिवार से आज मिलना मेरे खुशनसीबी है। I want one night stand with your family. चलो चलकर खाना खाते हैं। हाँ चलिए। सूरी भाई, पूरा गांव ढूंढ लिया पर माँ कहीं नहीं मिली। पूरा गांव ढूंढा पर मंदिर में क्यों नहीं ढूंढा? माँ तो है, काफी देर हो गई है। ये देख 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 देख, माँ वो रही सामने। आ गई तुम? इतनी देर कहाँ थी? देखो मंदिर से माँ भी आ गई। बलराम जी, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी दीदी है। नाम है सरिता। सरिता। नमस्ते बलराम जी। वो मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है तो मैं चलता हूँ। सर, ये सच में भूत है सर। नारायण जी। सूरी महारानी। थैंक गॉड। ए, मैं इस टॉर्चर को नहीं सह सकता, तुम मुझे किसी ओल्ड एज होम में भर्ती करा दो। रहमान, तुम क्या सोचने लगे? सोच रहा हूँ कि सडनली बलराम जी का मूड क्यों बदल गया? इतनी देर तक इंतजार किया, खाना खाए बिना ही चले गए। वो सच में भूत ही थी क्या? चुप रहो, वो कोई भूत ऊत नहीं थी, ये सरिता लग है, मेरी सावित्री अलग थी। मेरी आंखों के सामने जब से आई हो, दिल में उतर गई हो बसंत बनकर, जब जब तुम्हारी झलक देखता हो मैं खुद ही भुला देता हूं अपने दिल को। हेलो कलेक्टर साहब, आप कैसे हैं? आप ही के पास आ रहा था। हाँ, उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी, 5 मिनट में पहुंचता हूँ। क्या बात है सर? इधर नमाज पढ़ रहे हैं, अगले 15 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ओके सर, 15 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते हैं, हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। आई सस्पेक्ट ऑल रिलीजन। माइंड बर्निंग सर, माइंड बर्निंग। अब रामू की याद यहाँ कैसे आ गई?
सामने खड़ा है सर। मस्जिद में रामू क्या करने आएगा? है ना सर, आप खुद ही देख लीजिए। रमजान की सेवई, मजा आ गया। थैंक यू। ओए, इस खुशी के मौके में मुझे एक नई कहानी सुझी है। राइटर, लिखना शुरू कर। कोई जबरदस्ती है क्या? हमेशा तुम्हारी नहीं चलेगी। हाँ? तुम्हें हमें भी थोड़ा एनकरेज करना चाहिए। हम तुम्हारी फीलिंग का ख्याल रखते हैं और तुम हमारी फीलिंग को हवा में उड़ा देते हो। अरे बाप रे, ये यहाँ क्यों आ रहे? पहले ही बता चुका हूं, मैं कुछ भी सह सकता हूं लेकिन झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो झूठ क्यों कहा तुमने? मैंने आपसे क्या झूठ बोला? तुम रामू नहीं हो। कौन हो तुम? कुछ समय पहले मैंने तुम्हें मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा। मुझसे झूठ बोला तुमने, सच बोलो। क्या बात है सर, सच ना? कह देता हूँ, जो कुछ भी हुआ मैं सब बता देता हूँ। क्यों मैं सुरे, सच बोल दूं क्या? बता दो इन्हें सच क्या है। कहेंगे तो मार डालेंगे। तब तो कह देता हूं। नहीं, सच बोल ही देता हूं, लेकिन उस सच को बर्दाश्त करने की हिम्मत आप में। हिम्मत की बात कर रहे हो? वो हम सब में बहुत है। सच क्या है सिर्फ वो बताओ। बलराम जी, आपने मस्जिद में जिसे देखा था वो मैं ही हूं, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तुम हो लेकिन तुम नहीं हो। जी हाँ, वो मेरा भाई है, बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है। उसका नाम है रहमान। पीछे कहाँ भाग रहा है? सामने के बहुत। हाँ जी सर, हम भी आपकी तरह दोनों को देख के कंफ्यूज हो गए थे। बचपन से हम इन दोनों से परेशान हैं सर। सर, इसकी दीदी ज्यादा बताइए सर। अब तुम बताओ। लेकिन एक फर्क है, मेरी मूछें हैं और उसकी मूछें नहीं है। आपने ठीक से देखा नहीं होगा। प्रद्युमन जी, आप तो पास से देख सकते थे ना। आप देखा था लेकिन उन मूछों पर गौर नहीं किया। क्या सर, आपने मुझ पर शक किया? लगता है मैं कुछ जल्दबाजी कर दी। रामू, तुम हमारे आदमी हो। यू आर माई ओन ह्यूमन। बुरा मत मानना। टेक माई सारीज। कोई बात नहीं सर। एक मिनट सर, रामू का भाई रहमान, कैसे 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 मतलब कैसे बताऊं? इस बात को भी मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं? तुम अपने मुंह से कैसे बताओगे? अपने मुंह से क्यों नहीं बता सकते? क्या है ना कि रहमान और राम सगे भाई नहीं है, सौतेले भाई है। सौतेले भाई है? फुट स्टेट ब्रदर्स। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे समय में तुम्हें स्टोरी सुनाना नहीं होता है। अब मेरी बात सुनो, बलराम जी को रहमान की कहानी सुनाओ। बहुत पहले की बात है, रामू की माँ मायके गई थी और काम वाली किचन में, और ठीक उसी समय आए रामू के पिताजी और वो किचन की तरफ चले गए और काम वाली को वाइफ समझकर उसे अपनी बाहों में इस तरह से भर लिया। उस समय की सर्दी, माइनस डिग्री की ठंडी, क्लाइमेट भी सपोर्ट कर रहा था, इसलिए काम वाले ने भी थोड़ा कोऑपरेट किया। और जो गलती उस दिन हुई वो 9 महीने के बाद बच्चे के रूप में बाहर आई। घर वाली से पैदा हुआ राम, काम वाली वहीदा से पैदा हुआ रहमान। सच में? अब वहीदा कहाँ पर है? ये वहीदा कौन है? रहमान की माँ। वो नहीं है, वो मर गई। हाँ। और तब से रहमान भी हमारे साथ ही रहता है और उसकी जिम्मेदारी भी बेचारा रामू को उठाता है। अब रहमान करता क्या है?
डांस करता है, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांसर है, नादर दिन्ना नादर दिन्ना नादर दिन्ना। ओ डांसर है, तो उसे मुझसे आकर मिलने को कहो। सर, सर आप उससे नहीं मिल सकते। सर बस नहीं मिल सकते। अरे क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि वो थोड़ा ढीला है सर। वो गे है सर। गे है? गे है, गे है। तो उससे कहो मेरी हवेली आ जाए, उससे मुझे काम है। तुम नहीं समझोगे, उसे बुलाओ मैं देख लूंगा। क्या देख लेंगे? उसके लिए कोई काम देख लूंगा। बस सर, अब बस, आपने बहुत एहसान कर दिया, मुझे नौकरी दी, मेरी माँ के लिए व्रत भी रखी, अब मेरे भाई को भी नौकरी दे रहे हैं। अब तो अपने एहसानों पर रोक लगाइए सर, ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा। रामू, मैंने पहले ही कहा था ना, तुम हमारे बीइंग ह्यूमन हो, तुम्हारी माँ हमारी माँ है, तुम्हारा भाई हमारा भाई, तुम्हारी दीदी। चलो निकलते हैं, ठीक टाइम पर रोक दिया प्रद्यू, थैंक्स माय थैंक्स। दुबे, मेरा मजाक बना रहा था, मैं ढीला हूँ। समझाओ इसे। अब मैं रहमान बनकर उनके सामने कैसे जाऊँ? डरता क्यों है, मैं हूँ ना। हो गया। क्या रहा है, जल्दी से साफ करना। तुझे क्या हुआ, इंजन ने झटका दे दिया? ठीक से देखना मामू, मैं रामू जैसा दिखता हूँ? रहमान हो। नादिर दिन्ना। नादिर दिन्ना। सोचा था कि बलराम जी कुछ तगड़े और दिखने में सुंदर होंगे, लेकिन तुम तो डील डॉल से अभद्र दिख रहे हो। वो नहीं है, बलराम मेरा नाम है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहमान, तुम मूछे क्यों नहीं रखते हो? आती नहीं है, आएंगी भी नहीं। क्यों? माँ पर गया हूँ ना, इसीलिए। रामू, ये क्या हुलिया है? हाय बेबी। ये रामू नहीं है बेटी, ये उसका भाई रहमान है। बिल्कुल ठीक समझे। बाप रे, कितनी गर्मी है यहाँ, क्यों बुलाया मुझे, जल्दी बोलो ना। तुम्हारे भाई ने कहा कि तुम बहुत अच्छे डांसर हो। जस्ट फन के लिए नाचता हूँ। अब सीरियसली नाचो, मेरी बहन बहुत दिनों से डांस सीखना चाहती थी, तब तुम रोज आकर इसे सिखाना। मैं नहीं आ सकता। तो तुम यहाँ से जा नहीं सकते? अरे मैं नहीं आ सकता, दिन में मैं अपने माँ की सेवा करता हूँ ना। तो फिर रात को आ जाओ ना। रात में? ना बाबा ना। ओके, जरा इसे अंदर ले जाकर ठीक से समझाओ। नहीं आ सकता? जरूर आ सकता हूँ, रोज रात को 8 o'clock, 1 hour, only for you. Okay, bye. साइड हटना ढोल। रुको, भैया, मैं इसे डांस नहीं सीखना चाहती हूँ। वो यहाँ रहे तो you safeguard, I no tension. ये जाने बिना कि उसे डांस आता भी है या नहीं? Correct. रहमान, जरा अपना डांस दिखाओ। पसंद आया तो रखूँगा, वरना भेज दूँगा। पसंद नहीं आया तो भेज देंगे। Okay. प्रद्यु, yes sir. Music on. What a hair standing dance. पसंद आ गया? अभी से मैं अपनी बहन को तुम्हारे हैंडल ओवर करता हूँ, शुरू हो जाओ। Take her into your custody and make her the Michael Jackson. Tinkle, tinkle, little star. Tinkle, tinkle, little star. Hey, hey. Tinkle, tinkle नहीं होता है, tinkle, tinkle, tinkle. एक बार बोलकर दिखाओ। Tinkle, tinkle, tinkle. फिर से. Tinkle, tinkle, little star.
तो क्या कर रहा है? जॉगिंग कर रहा हूँ सर। वो क्यों? वेट कम करने के लिए। तू वॉकिंग में जॉगिंग करेगा तो कुछ नहीं होगा। तू पहले तीन चीजें छोड़। सिगरेट, पान, दारू ना सर। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सर सर सर, रहमान को आपने नौकरी दे दी? जी हाँ नारायण जी, उसे सुधारना हमारा काम है। सर आप कुछ भी कर लीजिए, वो सुधरेगा नहीं। मेरी बात मानिए, उसे निकाल दीजिए। नो, ऐसा कोल्ड डायमंड दोबारा नहीं मिलेगा। कोल्ड डायमंड मतलब? तुम्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती ना। कोल्ड डायमंड यानी कोयले की खान में हीरा। क्या परफॉर्मेंस था! एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं रे, हेयर स्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ए, ये कॉन्सेप्ट लेकर अगर हम एक ड्रामा लिखे तो कितना हिट होगा। अरे मुझे एक अच्छा टाइटल याद आया। अरे रे रे, छोटी मूंछ बड़ी सी पूंछ। कैसा लगा? थैंक यू, शुक्रिया। क्या हुआ रहमान, तुझे पसंद नहीं आया क्या? नहीं पसंद आया। उन्हें धोखा देना मुझे गवारा नहीं है। जब पता चलेगा कि राम और रहमान मैं हूं तो क्या होगा? पता क्या चलेगा? पता चल गया। वाह, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग की है भैया को, मुझे, सभी को। अच्छा फूल बनाया। बट वन थिंग, उन्हें फूल बनाना तुम्हारी होशियारी नहीं, उनका भोलापन है। मिस्टर राम, तुम अपने भाई रहमान को मेरे घर मत भेजना, यही कहने आई थी। अब मैं अपने भैया को सच बताऊंगी और राम हो या रहमान, कोई मेरे घर नहीं आ पाएगा। चलती हूँ। मीनाक्षी, भैया से तुम्हें सच छिपाने को नहीं कहूंगी, लेकिन कहने से पहले हमें झूठ क्यों बोलना पड़ा एक बार सुन लो प्लीज। मीनाक्षी, जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे ज्यादा मेरी ही गलती है। मंदिर के ताले की वजह से झगड़ा ना हो इसलिए गाँव के सामने मैंने ही इसका गलत नाम बताया। एक झूठ को दूसरे झूठ से छुपाना चाहते थे, कंट्रोल नहीं हो पाया। अब इससे कैसे निकले समझ नहीं आ रहा। मीनाक्षी, हैदराबाद में जो हमारा घर था और मेरे भाई की टैक्सी, सब कुछ चला गया। उस वक्त इसे काम की बहुत जरूरत थी। इसने अपने लिए नहीं, मेरे लिए झूठ बोला। ये कैसे भी करके दो पैसे जोड़ रहा है ताकि मेरी शादी हो जाए और इसके सिर से ही बोझ हट जाए। बोझ नहीं है वो, मेरी जिम्मेदारी है। मीनाक्षी, हमें पता है हमने गलत किया, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। ये सब हम तुम्हें कन्विंस करने के लिए नहीं बता रहे हैं। तुम्हारे दिल को जो सही लगता है तुम वही करो। कल शाम को मेरे घर पे आना, मुझे डांस सिखाने के लिए। खुदा हाफिज। Oh,
भूत सर, भूत। भूत भूत कुछ नहीं है रे, रामू की दीदी है सरिता। हेलो, आप ठीक हो ना? रिहर्सल करने आई हूँ, अपनी टीम का इंतजार कर रही हूँ। रिहर्सल के लिए टीम की क्या जरूरत है? सामने वाला भी अपने डायलॉग बोले तो प्रैक्टिस करने में आसानी होती है। ये चलेगा ना? नो नो नो, ये बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर है, वो सूट नहीं होगा। एक बार आपको सिंपल है, मेरी तरफ देखते हुए वो लाइन कहनी है। ओके प्रिया, मैं आप मुझे देखकर नहीं बोल रहे, पेपर देखकर बोल रहे हैं। ठीक है। प्रिया, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में बसी है, गलती की है तो मुझे माफ कर दो। प्लीज प्लीज मुझे प्यार करो। जबरदस्ती करोगे क्या? आप थोड़ा फील करो, मेरी आंखों में देखकर कहिए, हो जाएगा। प्रिया, तुम्हें देखे बिना मैं नहीं देखता, दूर से देखना है। अगर इंग्लिश होती तो आराम से बोल लेता, हिंदी है ना इसलिए थोड़ा। प्रिया 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 प्रिया। ऐसे नहीं बलराम जी, जिसे आप प्यार करते हैं उसके बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन आ जाएंगे। एनीवे, आई एम सॉरी, मैंने आपको शायद परेशान कर दिया, आपसे ये होना मुश्किल है। मेरी आंखों के सामने जब से आई हो, दिल में उतर गई हो बसंत बनकर। जब जब तुम्हारी झलक देखता हूँ तो मैं खुद भुला देता हूँ अपने ही दिल को। क्या एक्सप्रेशन थे, क्या फीलिंग्स थी। सर, अगर मैं सीएम होता ना तो अखाड़ा अवार्ड आपको ही देता। सर, आज से हमारे ड्रामा कंपनी के आप ही होल सोल हीरो हो सर। नो 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 नो, इट्स नॉट माय कप ऑफ ब्रांडी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कंपनी के लिए प्रोड्यूसर बन सकता, गैजेट जो भी होगा चलेगा। आप जैसे लोग की तो हमें जरूरत ही सर। चलो पैर छुओ। मुझे क्यों धोखा दिया, तुम दोनों एक ही हो मुझे पता चल गया है। सर, आप जल्दबाजी कर रहे हैं, हम दोनों एक हैं लेकिन एक नहीं है। मेरे जैसा दिखने वाला मेरा भाई है जिसे देखकर लोग धोखा खा जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा नाम राम है और रहमान है, लेकिन लोग मुझे रहमान और रहमान को राम समझ बैठते हैं। मैं आपका आदमी हूँ, आपको भला धोखा कैसे दे सकता हूँ। आपने जिसे देखा वो रहमान था और मैं राम। आपने गौर नहीं किया होगा, मेरी पूछे हैं लेकिन उसकी नहीं। ऐसे क्या देख रहे सर, मेरी पूछे नकली नहीं है। तुम दोनों एक नहीं हो, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। वही तो सर, वो मेरे जैसा दिखने वाला मेरा भाई है, मेरी मूछें हैं उसकी नहीं है। ये रजनीकांत की किसी फिल्म के जैसा है ना? फिल्म जैसा ही है सर, गोलमाल। आप किसी की बात सुनकर मुझ पर भरोसा? टोटल करेंगे तो ये हिसाब बनता है। सारे हिसाब बराबर है। यू आर माइंड कैलकुलेटर, यू आर माइंड ब्लो ड्रायर। थैंक यू सर। गुड। प्रद्यु, मैंने कहा था ना असली हीरा है वो। अगर आप अंदर चलो तो मैं आपको नकली हीरा दिखाता हूँ। नकली क्या है वो? आओ तो दिखाता हूँ। आओ। ठीक से याद कीजिए, आपने जिसे देखा उसके पूछे थे क्या? गारंटी से कह सकता हूँ। अरे पूछे नहीं, ये तो रजनीकांत की फिल्म है ना। आपको फिल्म तो याद है लेकिन कहानी याद नहीं है ना, एक बार देखो तो। चाहे तो कंफर्म कर लेना, मेरी मूछें हैं और उसकी नहीं होंगी। वो रहमान था जिसे आपने देखा लेकिन मैं राम हूँ। सेम डायलॉग कहीं सुना हुआ लग रहा है। कहीं और नहीं सर, गांव के मंदिर पे सुना था। यहाँ रजनीकांत बोल रहा है, वहाँ रामू बोल रहा था। भला हमसे रामू झूठ क्यों बोलेगा? उसकी फैमिली को देखकर तो मुझे घर एक मंदिर फिल्म की याद आती है। अच्छी तरह सोच कर देखिए ना सर, रामू इनकमिंग, रहमान आउटगोइंग, रहमान इनकमिंग, रामू आउटगोइंग, कहीं भी क्रॉस कनेक्शन नहीं हो रहा है। फोन एक ही है लेकिन सिम दो है, इंसान एक ही है लेकिन कैरेक्टर्स दो। चलो अभी देख लेते हैं। रामू, हमें रहमान से मिलना है, उसे तुरंत बुला लो। रहमान अभी नहीं हो सकता सर, वो घर पर माँ की सेवा कर रहा होगा। अगर आप चाहें तो शाम को उसे भेज दूं। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। अरे दो, तुमने ताला क्यों लगाया? अगर सच का पता लगाना है तो उसे अंदर से बाहर नहीं आना चाहिए। Truth opens when doors close. बस तू सर, बस तू। ये क्या है? मुझे अंदर बंद कर दिया और ये लोग कहाँ चले गए? तुम्हारे घर। मेरे घर? हाँ बुद्धू, भैया को तुम पर डाउट हो गया है, उसी का पता लगाने गए हैं। अब क्या करूँ? पीछे से कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ है तो, लेकिन तुम्हें हाई जंप आता है क्या? हा?
सर, घर में कोई नहीं है, अब तो मेरी बात मानते हो ना। चलिए अब चल के उसकी खबर लेते हैं। चलिए। यहाँ आने की वजह? वो यहाँ से जा रहे थे तो सोचा मिलते चलते हैं। किससे? माँ से या मुझसे? दोनों से। नमस्ते माँ जी। नमस्ते माँ जी, आप ठीक तो है ना? वो जवाब नहीं दे रही। अभी वो पीकर नशे में सो रही है। पीकर मतलब? मतलब दवाई पीकर बेवकूफ। तो एक बार माँ को उठा कर आशीर्वाद लेकर। बलराम जी, आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ, रोज अगर इस तरह आप मेरे घर पे आने लगे तो लोग गलत समझने लगेंगे, क्योंकि मैं भी तो जवान हूँ ना, और जवानी में अक्सर कदम बहक जाते हैं। क्या हुआ प्रद्युत? माँ जी के पैरों पर घने काले बाल, कैसे कैसे कैसे? जैसे मर्दों के बाल होते हैं वैसे माँ जी के पैरों पे काले बाल, कैसे? बलराम जी, अब आप ही बताइए, इस उम्र में मेरी माँ ब्यूटी पार्लर जाकर मैनिक्योर पेडिक्योर वैक्सिंग करेंगी क्या? ये सब करवाने की उम्र तो मेरी है ना। तुम्हारी है। और जिन पैरों की मैं पूजा करता हूँ उन्हें पैरों के बाल दिखता है ये मोटा कलमुआ नासपिठा। और आप भी इसके साथ बिगड़ते जा रहे हैं, बहुत दुख की बात है, इसे डिसमिस कर दीजिए ना। डिसमिस सर? यू शट अप इन द माउथ एंड गेट आउट ऑफ द हाउस। कहाँ जा रहा है? और कहाँ, हवेली? वहाँ बाद में जाना, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, थोड़ा दबा के जाना। पैर दर्द कर रहे हैं, थोड़ा घूम तो जा। दबा कर जाने बोला तो मार कर जा रहा है। अब दुष्ट इंसान मेरी माँ की बेइज्जती करता है। भाई फोन करके कितना दुखी हो रहा था सर। तेरी तो रामो रामो, बेचारे को छोड़ दो, तुम्हारे भाई ने भी बहुत मारा। इस पापी को आप बेचारा क्यों कह रहे हैं सर? इसे तो मारना चाहिए, ये आपको भी बिगाड़ रहा है सर। वैसे आजकल आप में बदलाव देख रहा हूँ इसलिए लाइन बोल दी। आप इसे डिसमिस क्यों नहीं कर देते सर? ये डिसमिस को लेकर तुम दोनों भाई मेरे पीछे क्यों पड़े हो? रामो सर, इसकी बातों को सुनकर आपने मुझ पर शक किया, अब मैं यहाँ काम नहीं करूंगा, मैं रिजाइन कर रहा हूँ यहाँ से। राहुल, डोंट गेट इमोशनल अत्याचार, पेस्ट कंट्रोल योरसेल्फ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम मेरे आदमी, यू आर माय ह्यूमन। भैया यहाँ क्या चल रहा है? शक हो रहा है, अपमान हो रहा है। सर मेरी बात तो सुनी सर। प्रद्युत बोलो, कहो कहो कि ये दोनों एक ही हैं। सर मैं कह रहा था। क्या कहोगे तुम? क्या कहोगे? हमारे पहुंचने से पहले इसने दरवाजा खोला, वहां पहुंचा, मुझे निकाली और मेहमान की एक्टिंग कर रहा था, है ना? सर नहीं सर। तो और क्या कहोगे? हमारे यहाँ आने से पहले ये वहां से यहाँ आ गया, अपनी नकली मूछें लगाई और हम बनकर बाहर निकला, है ना? नहीं सर। हाँ सर। ये बात है, तुम मूछों को खींच कर देखो, तुम्हें यकीन हो जाएगा। ये मारे आओ, खींचो, खींच, खींच ना। क्या हुआ, घबरा रहा है? मैं क्यों घबराऊंगा? खींचेगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? खींच, रुको, बस एक इंच की दूरी रह गई सर, बस निकल जाए तो खुलासा हो जाएगा। रुको, मैं इस पर भरोसा करता हूँ, विदाउट इंटरेस्ट आई ट्रस्ट यू। ओके सर, एक बार खींच। क्या खींचेगा? इसकी पूछे खींचेगा, बोल, इसकी पूछे खींचेगा। बाप रे, सुबह की मार से अब तक दर्द हो रहा है सर, अब मैं किसी में शक नहीं करूंगा। शक बहुत बुरी बात है, द डाउट ऑफ द माइंड इज द डेविल ऑफ द वर्ल्ड। सेंसलेस सर, सेंसलेस। थैंक्स टू यू। खुशी माँ। क्या माँ? माँ। क्या माँ? हाँ भाई है माँ।
तुझे सलाम, मम्मी तुझे सलाम। अरे तेरी बेटी की उम्र की हूँ मैं और मुझे देखकर मम्मी कह रहा है कौन है तू? मैं? अच्छा मुझे नहीं जानती। चलो मुझे नहीं जानती लेकिन बलराम जी को भी नहीं पहचानती। बलराम जी, इन्हें कौन नहीं जानता? नाम तो कई बार सुना है मैंने लेकिन पहली बार देख रही हूँ, बहुत फिट नजर आ रहे हैं। क्या बात है बलराम जी, इस समय यहाँ मुझे बुक करने आए हैं आप? मेरा मतलब है आपके गांव में किसी शो के लिए मुझे बुक करने आए हैं, ऐसा पूछना था मुझे। नाटक बात हो गया, सच बताओ, सच बताओ कि तुम कौन हो? किस सच की बात कर रहे हैं आप? क्या पूछ रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वाह, गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, वहाँ सफेद साड़ी और यहाँ लहंगा, वहाँ पे उनकी माँ और यहाँ पे देगी चुम्मा। बलराम जी आपने मिस्टेक कर दी, आप जिसे मिले थे वो मेरी दीदी है। दीदी? हाँ बिल्कुल, वहाँ आपने मेरी दीदी माया को देखा होगा, यहाँ आपके सामने उसकी बहन जया खड़ी है। हम दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, सेम टू सेम ज़ेरॉक्स। समझ नहीं आता कैसी फैमिली है सर, एक ओरिजिनल है और दूसरी इसकी ज़ेरॉक्स। मुझे जो चाहे बोल लो लेकिन मेरी फैमिली को कुछ भी मत कहना, एक समय के हम लोग काफी इज्जतदार लोग थे। बलराम जी आपके सामने एक नारी का कोई अपमान कर रहा है और आप चुपचाप खड़े हैं। तुम नारी हो? क्षमा कीजिए, गलती हमारी। नहीं नहीं, हम दोनों के बीच सॉरी क्यों, वैसे टाइम मिलने पर आप जरूर आते रहना, चलती हूँ। वैसे और एक बात, आपको जो चाहिए वो मेरे पास है। क्यों ना वापस जाते समय रामू की माँ का आशीर्वाद लेते जाए, अगर आप कहो तो। पर इस समय तो वो सो रही होंगी ना। लेकिन उनकी बेटी सरिता तो जाग रही होगी ना। तो ठीक है। अरे बाप रे, बहुत दिनों बाद शांति से बैठकर खाना खाया है। सानिया थोड़ा दाल देना, आज बलराम जी का कोई पंगा ना हो तो अच्छा रहेगा। अगर घर आ गए तो क्या करोगे? कल आते हैं, ठीक है? वैसे भी बहुत देर हो गई। ना देर ना। बलराम जी क्या बात है, इतनी रात गए यहाँ पर? वो क्या है ना, हमने सोचा माँ का आशीर्वाद लेते चले जाएं। कितनी बार आशीर्वाद लोगे, वो क्या कोई एटीएम है क्या एनी टाइम आशीर्वाद देने के लिए? चलो चलते हैं। सर 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 सर, इतनी दूर से आए हैं, एक बार माँ से मिलकर ही चलते हैं ना। वो क्या है, कैसे मिलोगे? वो तो बाथरूम में नहा रही है। चलो चलते हैं, कल आएंगे। सर सर सर, कितनी देर तक नहाएंगी? बस 10 मिनट। इतनी देर में आप सरिता जी के हाथ की कॉफी पी सकते हैं ना, क्या कहती हो सरिता जी? तुम्हारे ड्रामा के क्लाइमेक्स में एक अच्छा सा मैसेज रहे तो मजा आ जाएगा। मतलब कैसा मैसेज सर? Honesty is the best mutual policy. Horrible sir, horrible. Horrible ही था। झूठ बोलने वाले को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सजा मिलनी ही चाहिए। सजा मतलब कैसी सजा सर? मतलब कि अगर तुम लोगों से कोई झूठ बोलेगा तो क्या करोगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। और अगर ज्यादा बड़ा झूठ बोलोगे तो जान भी ले सकते हैं। अरे हाँ, रामू कहाँ है? तुम मुझे पसंद हो? ये फिल्म देखने गया है नाइट शो पर। हाँ करो करो, और कितने दिन ड्रामा करोगे, किसी ना किसी दिन तो हमारे बलराम जी के हाथ लगी जाओगे तुम लोग। लग गए। अब हाथ क्या लग रहा है पिताजी, हमारा ड्रामा करना भी इनको पता है। पता है? हाँ, ये तो हमारे निर्माता है। यस, आई एम द ड्रामा प्रोड्यूसर। उस दिन सरिता जी की एक्टिंग देखकर डिप्रेशन हो गया, माइंड बॉइलिंग एक्टिंग की थी। बहुत हुआ, काफी देर हो चुकी है, अब चलते हैं। सर माँ आने वाली होंगी, अब तक तो कॉलोनी के टैंक का पानी भी खत्म हो चुका होगा, आप चाहें तो एक कप कॉफी और पी सकते हैं। क्या कहती हो सरिता जी? I'm sorry, कॉफी खत्म हो गई है तो चाय ही पिला देना। नमस्ते बलराम जी। नमस्कार।
उछल क्यों रहे हो? नहा कर ही तो आई है। ऐसे शौक हो रहे हो जैसे सिंगापुर से आई हो। सर मुझे एक डाउट है सर, पहले ये उस बाथरूम से निकले थे, फिर ये भी उसी बाथरूम से बाहर निकले, एक ही बाथरूम में ये दोनों, आखिर कैसे कैसे कैसे? सुनिए जरा पीछे हटिए। डाउट क्लियर करना चाह रहा था, मार क्यों रही हो? कॉफी पीने के बाद कप को नीचे रखना चाहिए था ना, सर के ऊपर गिर गया तो बुरा लगेगा ना। लेकिन ये कॉफी तो सर ने पी है। अच्छा कप तुम्हारे हाथों में है इसीलिए कॉफी तुमने पी होगी, ऐसा मुझे लगा। ठीक वैसे ही उस दरवाजे के सामने आकर मैं खड़ी थी तो उसी बाथरूम से नहाकर बाहर निकली हूँ ये तुमने सोचा? वैसे बाजू वाले बाथरूम से नहाकर मैं इस दरवाजे के सामने आकर खड़ी हुई थी, छोटा सा कंफ्यूजन था। अब क्यों मारा? अभी मेरी बहन माया देवी का फोन था। चिंता मणि को यही है। हमारी फैमिली के बारे में आपने बहुत भला बुरा कहा था, ये सब क्या है बलराम जी? आप भी हमारी फैमिली पर ऐसे शक कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। प्लीज आप इसके साथ मत घुमा कीजिए, इसे तुरंत डिसमिस कीजिए। डिसमिस? अब ये तुमने भी शुरू कर दिया? टोटल फैमिली मेरे पीछे क्यों पड़ी है? चुप हो जाओ, चलो ऑल टेक बाय सारी। ये कहाँ गए? अरे थैंक्स मां, करेक्ट समय पर आ गई। नहीं आती तो हमारा क्या होता? ए, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? हम अपनी हवेली में नहीं है, पहले तुम अपने कैरेक्टर से बाहर निकलो। ओह सॉरी, आदत हो गई है ना। अच्छा बताओ यहाँ क्यों लाई हो? यहाँ पर आओ। इसलिए? कम है, बताती हूँ ना, तुम्हारे स्टेप से मैं बोर हो गई हूँ, इसीलिए कुछ नए स्टेप सिखाती हूँ तुम्हें। ओह रियली? ओके। अपना लेफ्ट हैंड कमर पर रखो। अपनी कमर पर नहीं, मेरी कमर पर। ओह सॉरी। अब अपना राइट हैंड राइट शोल्डर पर रखो। राइट नहीं बुद्धू, तुम्हारा राइट। सॉरी। नज़दीका स्टार्ट कर। ओ, तुमने कार स्टार्ट करने को कहा था ना? यू तुम्हें तुम्हें ना। रुको। Meenakshi, kamal teri tumhara, koi misaal teri hai।
यहाँ पर क्या प्लान कर रहे हैं? किसानों के लिए हमारे सर यहाँ बांध बनवाना चाहते हैं। आप इस साइड को चेक कर लीजिए। हाँ ये देखिए सर, आ सर यही है इंजीनियर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आओ सर, कैसी लगी हमारी साइड? एक्सेलेंट सर जी। सर वो पहाड़ी दिख रही है वो किसकी है? अपनी ही है। ओहो, और वो वाली किसकी है? वो भी अपनी ही है। ओहो, और ये बीच वाली जगह किसकी है? हमारी आई साइट में दिखने वाली सारी जमीन साहब की है। आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। इंजीनियर साहब जल्दी से बांध का काम शुरू कर दीजिए, फसलों की सिंचाई के लिए अपने किसानों को परेशानी हो रही है। सर जैसा आप कहें कर देंगे। एक बात कहूँ? कहिए। बांध के लिए आप 100 एकड़ जमीन गाँव वालों को फ्री में दे रहे हो। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के कॉम्प्लेक्स खड़े करो, करोड़ों कमाएंगे करोड़ों। ये बस एक सजेशन था। ए दूरबीन दे। पहाड़ी और क्या लोकेशन, आप इसे टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे तो करोड़ों कमाएंगे करोड़ों। ये भी एक सजेशन था। क्या बात है। अरे सर पहले के आइडिया कैंसिल, इसे हनीमून स्पॉट बना दो। जोड़ा क्या मस्त लग रहा है। बहुत मजा आ गया, लड़का बहुत लकी है रे। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर आप ही देखिए ना। ऐसा क्या है? मैं अपने मुझे नहीं कह सकता, आप खुद ही देखिए तो सही। सर एक बात तो कहनी पड़ेगी, इधर लड़की का हॉट है ऑन है। भैया मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लाइक हिम। तुम गलती कर रही हो, तुम उसके बारे में पूरी तरह नहीं जानती हो। सब जानकर ही उससे प्यार किया है। मीनाक्षी तुम अभी बच्ची हो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो थोड़ा अलग है। अलग है, अभी तक पुराने जमाने में जी रहे हैं। ऐसे देखे तो सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, क्रिकेटर जहीर खान सभी वही तो है। क्या कहा? वो सब भी वही है? ये तुम्हें कैसे पता चला? इसमें पता किस बात का चलना, ये सब मुस्लिम ही तो है ना। तो मीना मैं इस प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी बात कर रहा हूँ। अब लोग क्या सोचेंगे? हाँ भैया कुछ नहीं सोचेंगे, 2-3 बच्चे हो गए तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बच्चे हो गए, वो भी नादर दिन्ना से, और वो भी 2-3। तुमने उससे बहुत उम्मीद बांध दी छुटकी। हाँ मेरी नजरों में आप दोनों एक ही हो। आपके प्यार की तरह उसका प्यार भी पवित्र है। पवित्र कैसे होगा, पागल कहीं की। इससे बात करना तो बेकार है, उससे डराना ठीक रहेगा। रामू सर आपने बुलाया? आपसे अपने भाई को मेरी बहन से दूर रहने के लिए कह देना। तुम्हारा और तुम्हारी माँ का चेहरा देखकर छोड़ रहा हूँ, नहीं तो उसे कह दो कि इस गांव को छोड़ दे। अगर दोबारा इस गांव में नजर आया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कुत्ते की मौत मरेगा वो। Top 10, he will die. ठीक है सर, मैं बोल दूंगा उससे। इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ डॉक्टर? पिताजी की बीपी चेक की, 200 के बाद रुक जाती है, नीचे ही नहीं आती। अगर वो वहीं रहे तो क्या होगा? ये नहीं रहेंगे। You mean? पिताजी इतना दुखी मत हो बेटा, सबको एक दिन मरना है। कुछ ही देर में बलराम जी आते ही होंगे, खड़े खड़े सबको ही ऊपर भेज देंगे। तो आप क्या करें? पासपोर्ट होता तो हम पाकिस्तान भाग चलते। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने कहा था, तो भी नहीं किया तूने। इस सिचुएशन में आपका फ्लाइट पे चढ़ना ठीक नहीं। इस सिचुएशन में तुम्हारा यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। निकल यहाँ से। जल्दी नारायण जी, हमारे पासपोर्ट से कुछ नहीं होगा। अभी मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया आया है। ए, तुम जल्दी से वहाँ जाकर उस पहलवान से कहो कि बलराम जी मैं डांस करता हूँ तो तुम्हारी बहन रोमांस करती है, मैं डांस के स्टेप दिखाता हूँ तो वो रोमांस के स्टेप दिखाती है, मैं नहीं गोगो कहता हूँ तो वो रेडी स्टडी बो हो जाती है। आपकी बहन, उसकी शादी आपकी मर्जी है। तुम उसकी बहन से प्यार नहीं करते, ये बलराम जी से कह दो, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या बोलते हो? नादिर धिन्ना। क्या हुआ, मुंह उस तरफ क्यों घुमा लिया? ए, कहीं तो सच में उस लड़की से प्यार तो नहीं कर बैठा? ओए चल हट। नारायण जी कन्फर्म, बैग पैक करो, यहाँ से निकलते हैं। बलराम की बहन, वो भी बैग के साथ। ओए तुम दोनों ने यहाँ से भागने का प्लान तो नहीं बनाया? नारायण जी इन्होंने तो हमें यहाँ से भागने का भी मौका नहीं दिया।
ये क्या है? मेरे भैया मुझसे बहुत नाराज हैं। मेरे लिए रिश्ता ढूंढना भी शुरू कर दिया है। देखो मैं अभी अपनी नानी के घर नागपुर जा रही हूँ, तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। कल तक मेरे भैया को कन्विंस करके उन्हें हम दोनों की शादी के लिए राजी करो, या फिर मुझे भगा कर ले जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम है, बाय। ए रुको, ये सब क्या है, टाइम और वार्निंग? तुम्हारा भाई जाने को कहता है और तुम आने को कहती हो? खेल रहे हो क्या मुझसे तुम दोनों? ये खेल तुमने ही शुरू किया था और खत्म भी तुम ही करोगे। डोंट वेस्ट टाइम। क्या ताऊ जी, ये परेशानियां मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? परेशानियां अभी कहाँ शुरू हुई हैं? जब छोटी मालकिन यहाँ से बाहर निकलेंगी तब शुरू होगी असली परेशानियां। मेरी बात सुन और उस लड़के को रुकने के लिए फोन कर। किस स्पीड से लगता है कि वो रुकेगी? ए, लेडीज को साड़ी हो या सॉरी बहुत पसंद आता है। फोन पर 4-5 बार सॉरी कह दे, देखना फट से पिघल जाएगी। हेलो। हाँ मीनाक्षी, कहाँ हो तुम? क्यों? ये तो भैया ना। प्लीज मेरी बात मानो, वापस आ जाओ। मैं ऑलरेडी बस में हूँ। नाची बस स्टैंड पे है। देखो बच्चों की तरह बर्ताव मत करो, ये बात तुम्हारे भैया को। रहमान कहाँ पर है? घर पर नहीं है। गांव में भी नहीं है? मतलब अंदाजा सही निकला मेरा। कैसा अंदाजा सर? तुम्हारा भाई मेरी बहन को भगा कर ले गया। मेरे यहाँ रहते हुए ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब मेरे रहते हुए वो ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। तो फिर मेरी बहन कहाँ गई? बलराम ठीक तो हो ना? तुम्हारी बहन नागपुर जाने वाली बस में बैठी है, लेकिन वो बस बीच में पुणे में रुकेगी। तुम वहाँ से निकलो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। पहले पहुँचा वो लकी फेलो। मेरे यहाँ से पुणे 10 मिनट की दूरी पर है और तुम्हारे गांव से 30 मिनट। हैप्पी जर्नी। तो खाना होना खाना है, खा लो, बस 1 घंटे रुकेगी। भैया हो रही बलराम की बहन। खाना खाने के लिए बस रुकी है तो उतरो ना। नीचे उतर कर खाना खाओगे या यहाँ बैठकर मार खाओगे? उतरो बे। चलना भैया कौन है? मैंने फोन कर दिया है। अगर उसके आने से पहले तुम थोड़ा कोऑपरेट करोगी तो हमारा घर बस जाएगा। पंडित कहाँ है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करो ध्वजा मंगलम पुंडरी का। अरे तुम रो क्यों रही हो? स्माइल करो, स्माइल बेबी। बस चला ठीक है।
नहीं सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए, छोड़ो कुत्तों को पत्थर से अपने हाथों से वरना अपने हाथ बंद छोड़ दीजिए। Bloody hamburger! Take him to the jail. Don't give him jingle bell. Yes sir. Thank you, Balram. Ramo, I love you, Raja. क्या चाम बाबू, तू मेरा फैन है क्या? जब देखो मेरे आसपास घूमता रहता है। अकल नहीं है तुम्हें? कितनी बार कहा है अकेली कहीं भी मत जाया करो, तुम अपने भैया को भी छोड़ दोगी मुझे उस ढीले के लिए? अरे तुम प्रॉब्लम में हो लेकिन वो आसानी से निकल कर भाग गया और तुम हो के उसके लिए। अरे रामू तुम तो कुछ बोलो यार। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, सच्चा आशिक क्या होता है पता है मैडम आपको? खुद जहर खाए, तुम्हें खीर खिलाए, खुद धूप में खड़े हो लेकिन तुम्हें एसी में बिठा कर रखा है। ठीक तुम्हें आए तो जुकाम उसे होना चाहिए, कॉल तुम करो तो बिल उसे भरना चाहिए। तुम्हारी खुशियां जाने, परेशानी समझे, गलती को माफ करे और कहीं क्या प्यार करे, यही होता है सच्चा आशिक। कंटिन्यू कंटिन्यू। तुम्हें कोई हाथ लगाए तो उसके पैर तोड़ दे, पैर लगाए तो उसकी आंखें नोच ले, ऐसा ही मर्द सही मायनों में आशिक होता है। आप मुझे ऐसे बोल क्यों रहे सर, मैंने जरूरत से ज्यादा बोल दिया क्या? नो पति मर्द बगल में छोरा और देखो पूरे गांव में ढिंडोरा। Guy under the hand searching the motherland, you are my brother-in-law, please become sister Umbrella. सर रामू तुम्हें मेरी बहन पसंद है ना? पसंद है। पसंद है ना? और मीनाक्षी तुम्हें? मुझे भी पसंद है भैया, मैंने कभी आपकी बात को ना कहा है क्या? ऊपर से पॉइजन खीर, जुमान बुखार, धूप और एसी, टोटली इनके कॉन्सेप्ट ने मेरी आंखें खोल दी भैया। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ सर। लेकिन क्यों? मुझे थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम। जरा इधर आओ राम, तुमको टेंशन मत लो, आजकल मार्केट में बहुत तरह की दवाइयाँ आ गई हैं, एक हफ्ते इस्तेमाल करो। सर मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है, मेरे दीदी के होते हुए मैं पहले शादी कैसे कर सकता हूँ? पहले दीदी की शादी फिर मेरी शादी। जया बच्चन जी आप ठीक है ना? अब क्या बताऊँ आपसे, कब से रिश्ता जोड़ने का मन था, जब से आपको पहली बार देखा तब से वो इच्छा मन में जाग उठी थी और रोज रोज वो इच्छा बड़ी होती गई, उसी इच्छा ने मुझे मजबूर कर दिया। प्लीज ना मत कहिएगा, मान जाइए। How's that? ऐसा लग नहीं रहा कि आप बेटी मांग रहे, लग रहा है कि आप माँ मांग रहे। आप हमेशा माँ की तरफ ही फीलिंग्स दिखाएंगे क्या? लड़की के लिए फीलिंग्स नहीं है। You are right. English होती तो इजीली कह देता, हिंदी है ना इसलिए मुश्किल हो रही है। One more rehearsal. Mr. Mummy, your daughter like nine. Yeah. Give me as five. Yeah. Both happy entire life. Yeah. Sorry, 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 sorry. Thank you. Namaste ji. Namaste. आपसे रिश्ता जोड़ने आया हूँ। समझ में नहीं आ रहा ये किस रिश्ते की बात करने आया है। Calm, be calm. When elder discussing, youngers no go discussing. शादी के बारे में आपकी क्या राय है? अभी तक कुछ सोचा नहीं है। कैसे सोचेंगे आप, इतना टाइम कहाँ है आपके पास? बच्चों को पालना, पूजा पाठ। आपकी परमिशन हो तो आपकी बेटी सरिता से शादी करना चाहती हूँ, क्या कहती हैं? आप तो इतने हैंडसम हैं, तो आपको कैसे कोई लड़की ना कह सकती है? मैं तैयार हूँ। मतलब अपनी बेटी की शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा कहिए ना। ये क्या बक रही हो माँ? राम बी काम, कहा था ना उन्होंने, when elders discussing, youngers no gus-gusing. बेटा समय गवाए बिना जाकर शादी की तैयारी करो। तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। रामो रामो। सर। So lucky you and me, your sister my wife, my sister your wife. This is not normal marriage, not exchange marriage. Terrible sir, terrible. Come on Pradyu, go happy. क्या exchange? Part exchange. मतलब टुकड़े बदलना है। टुकड़े कर दूंगा। ये आपने क्या कर दिया, शादी के लिए ओके कर दिया, तो इसमें बुरा क्या है? तुम सरिता के लिए इससे अच्छा रिश्ता कहीं ढूंढ सकते हो क्या? आपको बात समझ में नहीं आ रही है, मेरी बहन का नाम सरिता नहीं सानिया है, ये बात उन्हें पता चली तो हमारी कब्र खोद देंगे। तुम क्यों परेशान होते हो बेटा, सानिया की मूछें लगा देना और कहना कि सानिया नहीं कपिल देव, मेरे बेटे को एक साड़ी पहना कर कहना कि ये सूरी नहीं सरिता, और आपको बाहर एक फोटो लगा कर उस पर माला पहना कर कह देना कि मैं मर गया। टेलर मेरे लोगों के लिए अच्छे से सूट बनने चाहिए। वो तो ठीक है, बाकी सबके लिए तैयार हो जाएगा सर, इन दोनों के लिए विदेश से मंगाना पड़ेगा। वो क्यों? इनका साइज इंडिया में नहीं मिलता है सर। गुड जॉब सर। मैडम आगे सर। सॉरी कहने आई हूँ, शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आपसे जिस लड़की की शादी होगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी,
लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूँ। आप कारण मत पूछिएगा क्योंकि मैं बता नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूँ कारण पूछोगी तो मैं जरूर बता सकता हूँ। जैसी पहली बार जब तुम्हें देखा तो मुझे भी ऐसे ही झटका लगा था। इसका नाम सावित्री है। अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी मुझसे वो। 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में चल बसी। उस दर्द से बाहर आने के लिए मुझे बहुत वक्त लगा और तब से मुझे ये गांव और यहाँ के लोगों के अलावा कुछ नहीं सूझा। अचानक तुम्हें देखा तो लगा कि मेरी सावित्री फिर से तुम्हारे रूप में आ गई है, लेकिन मैं भूल गया कि तुम मेरी सावित्री नहीं बल्कि सरिता हो। अब ब्लडी फूल गॉट इमोशनल, सॉरी, माफ करना। तुम्हारे दिल में क्या है ये पूछे बगैर मैं तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर आ गया। अब टोटली माय डिफॉल्ट, लेकिन आई एम हैप्पी। मेरी बहन को एक अच्छा रिश्ता मिल गया। रामो इज ए गुड बॉय, स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट जेंटलमैन। आई एम हैप्पी। मोटे सांड धीरे नहीं रोक सकता। ये सर हमारे होने वाले सर हैं। चलता हूँ सर। चल रहे, चल। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो? हम गलती कर रहे हैं रहमान, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आखिर दोष क्या है उनका? एक बेरोजगार को नौकरी दी, जो बेघर हो गए थे उन्हें आसरा दिया, हम निराश थे तो जिंदगी जीने का मौका दिया। हर तरह से उन्होंने हमारी मदद ही करनी चाहिए, पर हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। एक बार सोच कर देखो, वो अपनी बहन की शादी किसी करोड़पति से कर सकते थे, लेकिन वो उसकी शादी तुमसे क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि वो तुम पर विश्वास करते हैं, और अब भी उनकी नजर में रामू एक जेंटलमैन है। सच कहूं तो ही इज अ ग्रेट मैन। अब बस करो, बहुत हुआ ड्रामा। रामू और रहमान का ये डबल रोल यहीं पर खत्म कर दो। शादी की सजावट में कोई कमी ना हो, ग्रैंड होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। ओके। लगाओ ठुमका, जमा के लगाओ ठुमका। ओए प्रद्यु, तुम पीकर आए हो क्या? अगर मैं आपको एक खबर सुनाऊं तो आप खुद मुझे दारू पिलाएंगे सर। कैसी खबर? ये देखिए। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, अब ये डबल रोल का खेल खत्म। मैं बलराम जी को सच बता दूंगा। ओए, जरा एक बार और सोच ले, पता चलेगा तो सबको मार डालेंगे। नारायण जी, मालिक ने आप सबको हवेली पर बुलाया है। रामो, वेलकम। नमस्कार माँ जी, आप ठीक तो है ना? अरे मुंशी नारायण जी, आइए पधारिए। सर हम बस आपके पास आने वाले थे, उससे पहले आपने खुद बुला लिया। बोल दो। सर एक्चुअली वो क्या हुआ था कि नहीं, अब तक मैंने तुम लोगों की बातें सुनी हैं, अब तुम लोग मेरी बातें सुनोगे। तुम लोगों का ये नाटक मुझे पसंद नहीं आया, सॉरी। अब तुम जो भी नाटक करोगे वो मुझे पसंद नहीं आएगा। झूठ बोलने वाले का अंत करना है, चीटिंग करने वाले को मार डालना है, टोटल क्लाइमेक्स को अब तुम्हें बदलना होगा। देखा ना, प्रोड्यूसर बन गया ना, अब कहानी में उंगली करेगा। ऑडियंस, टर्न ऑफ योर मोबाइल्स, वॉच द क्लाइमेक्स इन माय आईमैक्स।
नाबाज तुम, हो दगाबाज तुम, हो चालबाज तुम, राज खोलेंगे हम फिर तुम्हें मारे हम। हमारे श्री 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 नरसिंहा बलराम जी के इस बंगले पर अच्छा धोखा देने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। द बेस्ट चीटर अवार्ड मेल गोज टू रामो। एक बार जो फंसता रे फंसता 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 रे। वेलकम वेलकम वेरी गुड। ये लो ये अवार्ड, मैं माँ को समर्पित करता हूँ। तुम्हारा अवार्ड होने क्यों, उनके लिए स्पेशल अवार्ड है। द बेस्ट चीटर अवार्ड फीमेल गोज टू वन एंड ओनली जयप्रदा जी। कम ऑन, आइए माँ जी, क्या सुपर एक्टिंग की। बेस्ट चीटर इन सपोर्टिंग रोल, टिपिकल चॉइस। इसमें दो लोग चुने गए हैं। माँ नहीं है सर, माँ नहीं है सर, माँ नहीं है सर। जोड़ी को हम दे रहे हैं डबल बैरल गन। एक दिन मालिक गांव में गए, वहां उन्होंने एक भयंकर सच देख लिया। दिदिन्ना, मैं रामू नहीं हूँ, उसके अंदर का हाफ मैन हूँ, रहमान। देखिए ना, मेरी मूछ नहीं है, हम दोनों सेम टू सेम है, ज़िराक्स। फिर एक दिन मालिक ने एक और सच देख लिया। ये आंटी बचाए धमाल, ये आंटी करे कमाल, ये आंटी बचाए धमाल, बनना है इसको फटाफट मलामाल। मैं आपका सेवक हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नादिर दिन्ना, मेरे बेटे को नौकरी दी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मेरे बेटे को आपने नौकरी दी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। धोखेबाज तुम, धोखेबाज तुम, ओ दगाबाज तुम, ओ चालबाज तुम, राज खोलेंगे हम फिर तुम्हें। जो बोला वो सुना मैंने, जो देखा उस पर भरोसा किया। फाइनली मैं धोखा खा गया। जानते हो क्यों? तुम लोग माइंड से सोचते हो और मैं सोचता हूँ दिल से। नारायण जी, मैनेजर ही नहीं फैमिली समझा तुम्हें, और माँ जी बाप को देवता समझा। हर किसी को अपनों सा प्यार दिया मैंने, और तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। जॉनी जॉनी, यस पापा। चीटिंग ऑनर, यस पापा। टेलिंग लाइज, यस पापा। ओपन योर माउथ, हां पापा। अब तक मेरे प्यार को देखा है, अब मेरी नफरत को भी देखना। एक एक को कुत्ते की तरह गोली मार कर आज अपने बंदे को तुम्हारे खून से रंग दूंगा। I want to paint my house with dendron blood। भैया, भैया प्लीज उन्हें कुछ मत करो। जो भी हुआ उसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं है, और ये रहमान बहुत ही अच्छा इंसान है, मुझे डांस भी बहुत अच्छी तरह सिखाया। वो तो आपसे घबरा कर ये लोग झूठ बोल गए, छोड़ दीजिए प्लीज। तुम अभी भी इसके प्यार में अंधी हो,
तुम कुछ भी कहो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। Nobody escape! Everybody escape! Sister भी escape! सिचुएशन में भला कोई झूठ बोलेगा क्या? मेरी सिचुएशन में तुम्हारा कोई भरोसा करेगा क्या? यू आर चीटर, यू आर लायर, मेरे भरोसे को तोड़ा है तूने। सॉरी सर, मैंने सब गलत किया, मेरी हर बात झूठी थी, लेकिन वो मेरी जरूरत थी सर, लेकिन मैंने जो काम किया वो पूरी ईमानदारी के साथ किया। कितनी बार गलती की, एक दिन भी आपका नुकसान किया क्या? चाहे 100 झूठ बोले, लेकिन एक रुपए का भी धोखा दिया क्या? सर, माइंड के अलावा आपकी तरह दिल से सोचकर एक बात कहता हूँ, आपकी जो इज्जत करता हूँ वो सच है, आपकी बहन से मेरा प्यार सच है।
इस सच से ज्यादा मेरा झूठ ही अगर आपको बड़ा लगता है तो कहिए सर, यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगा। खाई थोड़ी ज्यादा ही गहरी है, कूदने में थोड़ा सा डर लग रहा है। आंखें बंद कर लेता हूँ, आप मुझे धक्का दे दीजिए। आपने सच में धक्का दे दिया? धक्का नहीं दिया, भूल तो खुद फिसल गया। मतलब आपने मुझे माफ कर दिया ना? Yes, your speech touched my heart. तेरी बातों से मेरा सीना चौड़ा हो गया। My बनियान become brown. आप कभी झूठ नहीं बोलेगा, वादा कर मुझसे। वादा करता हूँ सर, लेकिन आप ही आज से इंग्लिश नहीं बोलेंगे, ये वादा कीजिए सर। Hey, my English better than British. Come on. सर, आराम से। नारायण जी, आप भी सेफ, हम सब भी सेफ। Oh my God, very lucky we both. What a elastic finishing. सर, okay. चलते हैं।